हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 2012 की कॉन्क्यूबाइन, ये एक कोरियन पॉलिटिकल ड्रामा मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पावर के लिए लोग क्या क्या कर सकते हैं, ये सब इस मूवी में हम देखेंगे। अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो इंस्टाग्राम पर आकर आप ये ले सकते हो। तो चलिए इस मूवी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखता है कि एक प्रिंस डियर की शिकार कर रहा है। यहाँ और एक शिकारी था जिसके एरो से घोड़ा डर गया था, इसी वजह से प्रिंस नीचे गिर गया। जिसकी वजह से प्रिंस गिरा है, यह हमारा और एक मेन कैरेक्टर है जिसका नाम होता है क्वान। क्वान एक डिप्यूटी मिनिस्टर का बेटा है, तो यह इशू डिप्यूटी मिनिस्टर के पास ले जाया जाता है। प्रिंस डिप्यूटी चीफ से अब बात कर रहा है तो वहां उसे शिन दिखती है। शिन को देखते हुए ही उसे प्यार हो जाता है। शिन डिप्यूटी चीफ की डॉटर है। क्वान के बारे में जब डिप्यूटी चीफ प्रिंस से डिस्कस करते हैं तो कहते हैं कि क्वान मेरा एडॉप्टेड सन है। क्वान ने एक बार चीफ की जान बचाई थी। प्रिंस जो भी कह रहे हैं इस पर प्रिंस का कोई भी ध्यान नहीं है, इसका पूरा ध्यान शिन पर ही है। यहाँ में पता चलता है क्वान और शिन एक दूसरे से प्यार करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं प्रिंस की मदर ने प्रिंस को बुलवाया है। एक्चुअल में प्रिंस किंग का स्टेप ब्रदर है, इसकी मदर किंग की स्टेप मदर। अब मदर प्रिंस को डांटने लग जाती है। वो कहती है चीफ के घर के आसपास ही तुम क्यों रहते हो, तुम प्रिंस हो और चीफ की बेटी से शादी करोगे। वो उसे स्ट्रिक्टली मना कर देती है क्योंकि हमेशा दरबार में स्टेप ब्रदर के खिलाफ बहुत सारे लोग हमेशा कुछ ना कुछ तो बोलते रहते हैं, उन्हें और एक मौका मिल सकता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किंग उसकी स्टेप मदर यानी कि प्रिंस की मदर से मिलने के लिए आया हुआ है। मदर किंग से कहती है कि तुम्हारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो तुम्हें कम्प्लीट करनी पड़ेगी। किंग को अभी तक कोई बेटा नहीं है तो इसके बारे में बोल रही होती है। किंग की वाइफ थी जो बच्चे को जन्म देते हुए ही मर गई और बच्चा भी मर गया। किंग बहुत ही दुखी है तो इसी वजह से वो शादी नहीं कर रहा। किंग उसके अलग अलग दासियों से संबंध बना सकता है पर वो ये भी नहीं कर रहा। ये जो दासियां किंग की होती है इन्हें ही कंक्यूबाइन बोला करते हैं, यही हमारे मूवी का टाइटल है। किंग फिर मदर को कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या पड़ेगा। वो मदर को कहता है कि आप ही मेरे लिए कोई ढूंढ कर लाओ। स्टेप मदर बहुत ही कनिंग होती है, किंग का कुछ अच्छा हो ये कभी भी उसे नहीं लगता। इसी वजह से उसे पता है कि अगर चीफ की डॉटर से किंग ने शादी कर ली तो कुछ ना कुछ तो ट्रबल होगा, इसीलिए चीफ की डॉटर का किंग के साथ वो मैरिज करवाना चाहती है। हमें पता है कि चीफ की डॉटर शिन और क्वान इन दोनों में प्यार है। शिन शादी करने के लिए मना करती है और बहुत तमाशा खड़ा हो जाता है। रात में क्वान और शिन ये दोनों चुपके से भाग जाते हैं। रात में क्वान शिन से कहता है कि हमेशा मेरे साथ ही रहना और इसके बाद ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह आती है और शिन के फादर शिन और क्वान को ढूंढ लेते हैं। क्वान सबसे झगड़ने की कोशिश करता है पर इसे पकड़ ही लेते हैं। चीफ अब क्वान को मारने ही वाले हैं पर शिन कहती कि अगर क्वान मर गया तो मैं भी सुसाइड कर लूंगी। वो क्वान को जिंदा रखे यही उनसे रिक्वेस्ट करती है और वो अपने फादर की सब बातें मान लेगी। इसी वजह से शिन शादी के लिए मान जाती है। अब शिन क्वीन बन चुकी है, उसके सब काम करने के लिए दासियां है पर अब उसके बॉडी पर, उसकी ब्रेथ पर भी उसका खुद का हक नहीं है। हमेशा उससे जो एक्सपेक्टेड होता है यही उसे करना पड़ता है। इसके बाद 5 साल गुजर जाते हैं। अब किंग बहुत ही बीमार होने लग गया है। उसे देखने के लिए उसका ब्रदर यानी कि प्रिंस आता है। प्रिंस शिन से प्यार करता था पर किंग ने उससे मैरी कर लिया तो इसीलिए वहां से चला गया था, अपने किंगडम में घूमता रहा है। किंग की तबीयत खराब है इसीलिए देखने के लिए वो आता है। किंग उससे पूछते हैं कि हमारा किंगडम कैसे चल रहा है। प्रिंस कहता है कि सब कुछ एकदम सही चल रहा है। इसके बाद ये थोड़ा सा बात करते हैं और इसके बाद हमें शिन और प्रिंस बातें करते हुए दिखते हैं। शिन प्रिंस को कहती है कि किंग इल क्यों है ये किसी को भी पता नहीं है, इनकी बीमारी का इलाज ही नहीं हो रहा, ये बहुत ही वरीड है। प्रिंस कहता है कि किंग को कुछ भी नहीं होगा। प्रिंस को अब फिर से यहाँ से चले जाना है। जाते वक्त शिन को एक हेयर पिन वो गिफ्ट कर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पैलेस के कुछ लोगों की मीटिंग हो रही है। किंग की तबीयत क्यों सही नहीं हो रही इस पर ये मीटिंग है। सब लोग बात कर रहे हैं कि किंग पॉइजन हो रहा होगा, इसके पीछे कौन है ये उन्हें ढूंढना चाहिए। कुछ लोग सलाह देते हैं कि पहले किंग ठीक हो जाए, इसके बाद हम सब कुछ इन्वेस्टिगेशन करेंगे। किंग की हालत और भी खराब हो जाती है और रात में उसे सांस आने में तकलीफ होती है। उसके पास शिन बैठी हुई है और डॉक्टर भी है। अचानक से किंग की सांस बंद हो जाती है। डॉक्टर एक्यूप्रेशर करते हैं और 1-2 मिनट के लिए उन्हें सांस आने लग जाती है। शिन उनसे पूछती है कि आपके जाने के बाद आपका सक्सेसर कौन है, यानी कि किंग कौन बनने वाला है। किंग ये बात कर सके इससे पहले वो मर जाते हैं।
मदर को भी न्यूज मिली है कि किंग की हालत बहुत ही खराब है, तो उन्हें देखने के लिए मदर आती है। मदर जब वहां पहुंची थी तब तक किंग जिंदा थे, पर फिर भी शिन ने मदर को किंग से मिलने नहीं दिया था। शिन और उसके मदर इन लॉ एक दूसरे को हेट करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मदर के पास उसका एक राइट हैंड आदमी आया हुआ है। वो मदर को सजेस्ट करता है कि मदर ने अगर कोई एक्शन नहीं ली तो शिन के पास पूरी पावर आ सकती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिन के पास उसके फादर आते हैं। शिन के फादर किंग मरे क्यों थे इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, जब वो रॉयल बुक देख रहे थे जिसमें लिखा होता है कि किंग ने इस दिन पर उस दिन पर क्या खाया था। इस बुक में एक पेज मिसिंग था, यानी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ यहाँ है। शिन के फादर को लग रहा होता है कि मदर ने ही किंग को पॉइजन किया होगा। फादर शिन से कहते हैं कि अगर हमने ये प्रूफ कर दिया तो तुम्हारे पास सब पावर आ जाएगी, शिन और उसका बेटा सेफ रहेगा। इसकी और भी इन्वेस्टिगेशन में शिन के फादर लग जाते हैं। मदर भी चाल खेलती है, शिन के फादर एक ट्रेटर है इस तरह से वो डिक्लेयर कर देती है। मदर सब लोगों से कहती है कि किंग के खाने को शिन के फादर ने ही पॉइजन किया था। शिन के फादर अरेस्ट हो जाते हैं और शिन को भी रॉयल पैलेस से निकाल दिया जाता है। एक छोटी सी जगह पर शिन को अब रहना पड़ता है। सब पावर प्रिंस को दे दी जाती है और प्रिंस किंग बन जाता है। इन पुराने पैलेसेस में क्वीन की रक्षा करने के लिए यूनक हुआ करते थे। यूनक यानी कि उनके प्राइवेट पार्ट्स पहले ही काट लिए गए होते हैं। यूनक लड़ाई में माहिर होते हैं। अब हम देखते हैं कि पैलेस को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ नए यूनक आते हैं। इन यूनक में क्वान भी होता है। क्वान बहुत ही स्ट्रांग बन गया है और लड़ाई भी बहुत ही सही से वो कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंस की शादी हो जाती है। वो जब क्वीन के पास इंटीमेट होने के लिए जाता है तो सब कुछ इंस्ट्रक्शन उसे दी जाते हैं। उसके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं। वो किंग है तो उस पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सब कुछ सही से होना चाहिए। इसे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं क्योंकि सबको लगता है कि पहले बेटा हो जाए। प्रिंस इन सब से फ्रस्ट्रेटेड होता है पर फिर भी उसे ये सब करना पड़ता है। रात में हम देखते हैं कि शिन जहाँ रहती है प्रिंस ऊपर से उसे ही देखते हैं। प्रिंस को सलाह दी जाती है कि ऐसा वो ना करे। शिन इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है, कुछ प्रूफ ढूंढना चाहती है कि किंग को किसने मारा था। यह करने के लिए उसके एक दासी को किचन में भेजती है पर यह दासी किसी से भी बात नहीं कर पाती। पर इस दासी को और एक चीज पता चल जाती है। वो शिन से कहती है कि इस पैलेस में और एक अंडरग्राउंड जगह है जहाँ पर सब कैदी रखे जाते हैं, शायद वहां पर शिन को कुछ मिल सकता है। रात में शिन वहां पर पहुंचती है तो हेड कुक को कैद किया होता है। शिन उसे कहती है कि एक दिन किंग ने क्या कहा था इसके सब रिकॉर्ड्स नहीं है। ये कुक शिन से कहती है कि उस रात किंग ने उनकी मदर के यहाँ खाना खाया था। अब शिन 100% श्योर हो चुकी है कि मदर ने ही किंग को पॉइजन किया था। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्रिंस शिन से मिलने के लिए आता है। शिन की एक दासी उसके रूम में सब उसकी ज्वेलरी पहन रही होती है। प्रिंस ये देख लेता है, ये दासी डर जाती है और प्रिंस से माफी मांगने लग जाती है। थोड़ी देर में शिन भी वहां पहुंचती है। प्रिंस से पूछती है कि तुम यहाँ आए क्यों हो। प्रिंस कहता है कि मुझे किंग बने हुए बहुत सारा समय हो चुका है पर फिर भी तुम कैसी हो ये देखने के लिए मैं नहीं आया। शिन कहती है कि मेरे फादर के साथ जो हुआ ये बहुत ही गलत है। प्रिंस कहता है कि मैं भी एग्री करता हूँ और वो उसके फादर को छोड़ने वाला है। प्रिंस के साथ क्वान भी यहाँ आया हुआ था। शिन उसे देख लेती है और इस पर बिलीव नहीं कर पाती। शिन के घर में कुछ भी फर्नीचर वगैरह नहीं था तो प्रिंस सब फर्नीचर उसके घर में रखवा देता है। नेक्स्ट दिन पैलेस में मीटिंग चलती है। सब लोग प्रिंस की मदर से ही सब कुछ चीजें पूछते हैं। उन्हें लगता है कि प्रिंस अब तक सही से डिसीजन लेने के लिए रेडी नहीं है क्योंकि अभी अभी वो किंग बना है। प्रिंस यहाँ कहता है कि शिन के फादर को उन्हें छोड़ देना चाहिए। प्रिंस की बात कोई भी नहीं मानता। मदर इस पर बहुत ही चिढ़ जाती है। ये दोनों फिर मदर के रूम में आते हैं। मदर डायरेक्टली प्रिंस को स्लैप करती है, कहती है कभी भी इस तरह की चीजें तुम मत बोलना, मुझे पता है कि तुम्हारे साथ चल क्या रहा है। इस पैलेस में तुम सिर्फ एक ही औरत के साथ नहीं रह सकते और वो है शिन। प्रिंस कहता है कि अब तक तुमने मुझसे जो भी करने के लिए कहा है वो सब कुछ मैंने किया है। शिन की भी शादी तुमने मेरे ब्रदर के साथ कर दी फिर भी मैं कुछ भी नहीं बोला, आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो। इसके बाद हम देखते हैं कि शिन के फादर ने 5 साल पहले क्वान के साथ किया क्या था। शिन ने कहा था कि क्वांग को छोड़ दिया जाए पर क्वांग को ऐसे नहीं छोड़ सकते थे। पहले उसके प्राइवेट पार्ट्स उन्होंने काट दिए और इसके बाद इसने छोड़ दिया। क्वांग ये सब बुरे सपने रात में हमेशा देखता है। वो अचानक से उठ जाता है तो उसे मिलने के लिए शिन आती है। वो उससे कहती है कि मैंने हमेशा तुम्हारे लिए प्रे किया, तुम जिंदा हो यही मैं चाहती थी। शिन क्वांग से हेल्प के लिए पूछती है, कहती है कि हो क्या रहा है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मेरे फादर एक ट्रेटर नहीं है। पर क्वांग शिन के फादर और बहुत ही नाराज है तो उसे कुछ भी हेल्प नहीं करने वाला। वो उसे इग्नोर कर देता है और वो कहता है कि अब मैं यूनक बन चुका हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी काम नहीं आने वाला।
रात में शिन उसके फादर जहाँ पर कैद है वहाँ जाकर उन्हें कुछ खाना देकर आती है। एक खाना भी क्वांग ले लेता है। शिन के फादर के पास जाता है, इस खाने में से एक लेटर निकालता है। फादर से कहता है कि यह बहुत ही डेंजरस एक्ट था, अगर किसी को पता चला तो शिन को लोग मार डालेंगे। फादर उसे गिड़गिड़ाते हैं, कहते हैं कि प्लीज ये किसी को भी मत बताना। क्वांग कहता है कि 5 साल पहले तुम्हें मुझे मार डालना चाहिए था। शिन के फादर को क्वांग बहुत टॉर्चर करता है। नेक्स्ट डे क्वान प्रिंस की नजर में आता है। क्वान को सब मालूम होता है कि प्रिंस की सेहत के लिए क्या अच्छा है और उन्हें क्या खाना चाहिए, इसलिए वो किंग को सलाह देता है। किंग यानी कि प्रिंस उससे इम्प्रेस्ड हो जाता है। वो ऑर्डर देता है कि क्वान को यूनक्स का हेड बना दिया जाए। यूनक्स 16-17 साल तक काम करते हैं, उसके बाद उन्हें हेड बनाया जाता है, पर ये अभी अभी आया और इसे हेड बना दिया गया है, ये किसी को भी हजम नहीं होता। प्रिंस की बात कोई भी नहीं मानता। प्रिंस सोचता है कि क्वान को उसने कहीं देखा है और क्वान से पूछता भी है। क्वान कहता है कि मैं एक छोटा आदमी हूँ, मुझे आप कहाँ देख सकते हैं। प्रिंस भी इसे इग्नोर कर देता है। शिन के फादर को अब सजा होने वाली है, उन्हें मार दिया जाएगा, इसीलिए प्रिंस मदर के पास आता है, कहता है कि प्लीज ये सब रोक लो, पर मदर उसे मना कर देती है। प्रिंस अब भड़क जाता है, वो अपने यूनक्स को ऑर्डर देता है कि जो सजा होने वाली है इसे रोक लो, ये क्वान ही है जो सजा को रोक सकता है। क्वान जल्दी से वहां जाता है, वो टाइम पर पहुंच भी जाता है पर फिर भी कुछ भी नहीं कहता। वो शिन के फादर को मरने देता है। शिन बहुत रोती है। प्रिंस को जब ये पता चलता है तो उसे देखने के लिए वो जाता है, पर ये बहुत ही दुखी है तो अंदर नहीं जा पाता। रात में हम देखते हैं कि इस पैलेस का हेड यूनक और उसका एक अच्छा सा फ्रेंड जो किचन में काम करता है, ये दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। ये जिस चीज पर बात कर रहे हैं यह है कि इस पैलेस में सही या गलत इस तरह की कोई भी चीज नहीं है, या सिर्फ किसके पास पावर है यही मैटर करता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं क्वीन और उसके सब सलाहकार, इनमें मीटिंग चल रही है। प्रिंस हमेशा शिन के पास जाता रहता है तो इस पर सब लोग ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। सब सलाहकार मदर से कहते हैं कि हमें क्वीन और उसके बेटे को दोनों को यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए। ये करने के लिए मदर हाँ कर सकती है, पर प्रिंस की वजह से वो नहीं करती है। प्रिंस को पता चलता है कि शिन को सब लोग बैन कर सकते हैं। वो डायरेक्टली शिन के पास आता है, कहता है या तुम्हें पता है कि तुम्हारे खिलाफ क्या हो रहा है। शिन कहती है कि प्लीज फिर से यहाँ मत आना। प्रिंस नाराज हो जाता है, वो कहता है क्या तुम्हें पता ही नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए फील क्या करता हूँ, मुझे क्यों तुम सजा दे रही हो। प्रिंस गुस्सा हो जाता है, जाते वक्त शिन की दासी को लेकर जाता है, उसे पूछता है कि शिन कैसी है। शिन के बारे में सब कुछ वो उससे पूछता है, वो रात में क्या करती है, क्या पहनती है, ये सब कुछ उससे पूछता है। इसके बाद ये दासी के साथ इंटीमेट होता है और पूरे टाइम तक शिन को ही इमेजिन करता है। प्रिंस दासी से खुश हो गया, इस वजह से इस दासी को प्रमोट कर दिया जाता है, अच्छा सा उसका खुद का रूम उसे मिल जाता है, ये बहुत ही खुश होती है। राजा की कंक्यूबाइन वो बन जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिन का बेटा खेल रहा होता है। यहाँ पर क्वान इसे देखता है। क्वान को लगता है कि उसका ही ये बेटा है, क्योंकि जब वो शिन से जुदा हो गया था उसके बाद ही वो प्रेग्नेंट रह गई थी। थोड़ी देर में वहां शिन की दासी आ जाती है और वो क्वान को पहचान लेती है। वो क्वान को ब्लैकमेल करती है, कहती है कितना छोटा वर्ल्ड है, तुम भी हो और मैं भी यहाँ हूँ, हम दोनों एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। इस दासी का प्लान होता है कि हर रात किंग उसके पास ही आए। अगर किंग उसके पास आया और इस दासी से उसे एक बेटा हो गया तो इसके बाद एक क्वीन बन सकती है। वो क्वान को कहती है कि प्रिंस को तुम मेरे पास लेकर आना। वो क्वान को ब्लैकमेल करती है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो क्वान के बारे में प्रिंस को सब कुछ बता देगी। क्वांग उसे धमकी देता है कि अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शिन से मिलने के लिए फिर से प्रिंस आता है। प्रिंस ने शिन को जो हेयरपिन गिफ्ट दी थी आज शिन ने वो पहनी है। ये प्रिंस को देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। प्रिंस अभी भी शिन से मिल रहा है तो ये बड़ा इशू बन जाता है। मदर डायरेक्टली शिन को बाहर नहीं निकाल सकती है, तो इसीलिए शिन को पॉइजन करने का वो प्लान बनाती है। इस प्लान को अंजाम देने का काम क्वान को दिया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि दासी शिन के पास आती है। वो शिन से ज्वेलरी मांग रही होती है। वो कहती है कि प्रिंस मेरे पास कभी भी आ सकते हैं, अगर मैं क्वीन बन गई तो मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगी। इसके बदले में शिन की ज्वेलरी वो ले लेती है। शिन भी चालाक है, प्रिंस ने उसे जो हेयर पिन दी है वो इस दासी को दे डालती है। रात में प्रिंस को एक ड्रिंक दिया जाता है, उसे जल्दी से बेटा हो इसके लिए ड्रिंक है। आज बड़ा सा मुहूर्त है जहाँ पर वो अगर क्वीन के साथ सोया तो उसे बेटा हो सकता है। प्रिंस अब इस सब से परेशान हो गया है, उसे कुछ भी पीना नहीं है। ये बात मदर को पता चलती है और वो प्रिंस को समझाने के लिए आती है, पर ये कुछ भी नहीं समझता। ये गुस्से गुस्से में डायरेक्टली दासी के पास आ जाता है। दासी के पास शिन की हेयर पिन जब वो देखता है तब और भी गुस्सा हो जाता है।
उसने पहले दासी को चोरी करते हुए पकड़ा था, उसे लगता है इसने हेयरबिन भी चोरी की होगी, तो इसे अब वो सजा देने वाला है। दासी उसकी बहुत ही माफी मांगती है, पर फिर भी प्रिंस मानने नहीं वाला, तो दासी अब बोलने लग जाती है। कहती है कि एक सीक्रेट है जो मैं आपको बता सकती हूँ। क्वान के बारे में सब कुछ प्रिंस को बता देती है। इसके बाद गुस्से गुस्से में डायरेक्टली शिन के पास प्रिंस आता है, कहता है कि ऐसा मेरे साथ तुम क्यों कर रही हो, क्या वो यूनक मुझसे बेटर है। वो शिन को कन्फ्रंट करता है और कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा बेटा भी किंग का बेटा नहीं है। यूनक के और शिन के अभी भी संबंध हो सकते हैं, तो यूनक की वो पैंट निकालता है और चेक करता है कि क्या ये सचमुच में यूनक है। क्वांग सचमुच में यूनक ही है। इसके बाद प्रिंस सबको बाहर निकलने के लिए कहता है। वो जबरदस्ती शिन के साथ इंटीमेट होना चाहता है। शिन उसे बहुत रेजिस्ट करती है। वो कहती है कि जब तुम सही से किंग बन जाओगे, एक्चुअल में तुम्हारे पास पावर आ जाएगी, तब तुम आना, तब हम ये सब कर सकते हैं। क्वान थोड़ी देर में फिर से शिन से मिलने के लिए आता है। क्वान कहता है कि तुम बहुत ही डेंजर में हो, मेरा बेटा भी डेंजर में है, ये मैं देख नहीं सकता, हमें जल्दी से यहाँ से भाग जाना चाहिए, हम कहीं भी रह सकते हैं। शिन कहती है कि पहली बार हमने ये ट्राई किया था पर ये सक्सेस नहीं हो पाया। प्रिंस शिन पर नजर ही रख रहा होता है, तो उसे लगता है कि क्वांग उसे मिलने के लिए आया है। जल्दी से उस क्वार्टर में पहुंच जाता है, पर क्वांग उसे कहीं भी नहीं मिलता। क्वांग को अब प्रिंस से डेंजर है, तो डिसाइड करता है कि किंग को ही मार डालेगा। शिन को मारने के लिए मदर ने ऑर्डर दिया था और यह पॉइजन क्वांग के पास है। यही पॉइजन वो किंग के ड्रिंक में मिला देता है। प्रिंस आज ये पीना नहीं चाहता, ये ड्रिंक वो क्वान को ही पीने के लिए कहता है। क्वान पहले थोड़ा सा हेसिटेट करता है और फिर पी लेता है। पीने के बाद ही इसे खून की उल्टियां आने लग जाती है। प्रिंस डॉक्टर से कहता है कि इसे बचा लो, मुझे पता करना है कि किया किसने था। किचन के शेफ को पकड़ लेते हैं और उसे बहुत टॉर्चर करते हैं। ये शेफ हेड यूनक का फ्रेंड था। हेड यूनक अपने फ्रेंड से मिलने के लिए आता है, उसे देखा नहीं जा सकता। वो जल्दी से अपने फ्रेंड को फ्री करना चाहता है। उसके फ्रेंड को बहुत टॉर्चर किया गया है तो वह सहन नहीं कर पा सकता। उसका फ्रेंड एक की लेता है और अपने आप को ही मार डालता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दासी जो क्वीन बनना चाहती है, ये मदर के पास आती है। शिन का बेटा एक क्वान का बेटा हो सकता है, ये सब इन्फॉर्मेशन वो मदर को देती है। ये बातें कहीं बाहर नहीं निकलनी चाहिए, तो मदर ऑर्डर देती है कि इस दासी को मार दिया जाए। ज्यादा होशियारी की कॉस्ट इस दासी को पे करनी पड़ती है। मदर का राइट हैंड ये किचन के काम संभालता है। प्रिंस ऑर्डर देता है और उसे भी कस्टडी में सब लोग लेने वाले होते हैं। यह आदमी मदर के पास आता है और इसे लेने के लिए जो लोग आते हैं, मदर उन्हें फिर से भेज देती है। मदर अब गुस्से गुस्से में प्रिंस के पास आती है। उससे कहती है कि तुम कर क्या रहे हो, तुम अपनी मदर के आदमी को अरेस्ट कैसे कर सकते हो। प्रिंस कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा पपेट बन जाऊं, पर यह मैं नहीं कर सकता। वो मदर पर इल्जाम लगाता है कि तुम ही मुझे मारना चाहती थी। मदर प्रिंस से कहती है कि मैंने जो भी सब किया है सिर्फ तुम्हारे लिए किया है, मैं कभी भी तुम्हें पॉइजन नहीं कर सकती। यहाँ मदर कन्फ्यूज करती है कि तुम राजा बन जाओ इसलिए मैंने प्रीवियस किंग को मारा था। प्रिंस को सदमा लगता है, कहता है कि ऐसा तुम कैसे कर सकती हो, मैंने कभी भी तुमसे कुछ भी नहीं मांगा था, ये मुझे कभी चाहिए भी नहीं था। मदर ने शिन को मारने के लिए कुछ लोगों को भेजा था, पर किंग शिन को बचा लेता है। शिन भी यहाँ आ जाती है। क्वांग की हालत बहुत ही खराब है, पर फिर भी वो शिन को बचाना चाहता है। कन्फेस कर देता है कि मदर ने ही मुझे बोला था कि प्रिंस को मैं मार डालूं। अब मदर को कैद कर लिया जाता है। शिन को फिर से पावर मिल जाती है। अब प्रिंस सही से राजा बन चुका है, उसके पास पावर आ चुकी है, तो रात में वो शिन के पास आता है। शिन भी उसके साथ इंटीमेट होने के लिए रेडी हो जाती है। जब ये एक दूसरे के साथ होते हैं, तब शिन ने वही हेयरबिन पहनी है जो प्रिंस ने उसे दी थी। ये हेयर पिन वो अपने हेयर से निकालती है और डायरेक्टली प्रिंस के गले में डाल देती है। प्रिंस को यही मार डालती है। सब लोग बहुत डर जाते हैं। मदर के पास अब कुछ भी पावर नहीं है, तो शिन फिर से क्वीन बन जाती है। शिन ऑर्डर देती है और मदर को मार डालती है। अब मूवी का लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट सीन आता है। शिन अपने बेटे को दरबार में लेकर आती है। उसका बेटा जल्दी से भागता है और राजा के सीट पर बैठ जाता है। अब मूवी के लास्ट में शिन का पूरा कैरेक्टर मदर की तरह ही बन चुका है, यह हमें पता चलता है। मदर भी कोई भी चीज करने के लिए रेडी थी, उसे पावर मिल सके इसके लिए कुछ भी कर सकती थी, यही अब शिन ने किया है। सब कुछ मदर ने किया था, पर फिर भी उसका बेटा राजा बन गया था, इसीलिए उसके बेटे को कभी भी वो पावर नहीं देना चाहती थी। यही सब चीजें फिर से एक बार शिन के साथ होगी। शिन ने ही सब कुछ किया है और पावर अपने हाथ में ली है। अब वो फिर से इस पावर को अपने बेटे को नहीं दे सकती। जिस तरह से मदर अपने बेटे को मैनिपुलेट करती थी, उसी तरह से ये भी करती रहेगी। इसी एक डार्क पॉलिटिक्स के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारी अलग अलग मूवीज लेकर आते रहता हूँ, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना भी मत भूलिए। फिर से मिलेंगे और एक अमेजिंग मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।